हाय गाइज, मेरा नाम कुलदीप। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में, जो कि फाइनल 28 तारीख को खेलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ 28 तारीख को जो खेलेगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वो क्या क्या होगा, क्या होने वाला है, चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो बस आपको एक काम करना है, जो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए अगर आप कर लिए हैं तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे में बताता हूँ इस मतलब टीम के बारे में, दोनों टीम के बारे में, कि क्या क्या चेंजिंग है या फिर क्या चेंजिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्ला मतलब अगर हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया टीम के बारे में, दोनों ओपनर्स के बारे में, ठीक है, तो दोनों ओपनर्स दो तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि खास करके शिखर धवन और रोहित शर्मा। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और उसके बाद जो आने वाले हैं हमारे तीसरे नंबर पे जो आने वाले हैं अंबाकी रायडू, वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों जो कि अगला पिछला मैच भारत का हुआ था पाकिस्तान से, जो कि उस पर खेला गया था 210 रनों का मतलब पार्टनरशिप किया ओपनर्स ने, दोनों ओपनर्स ने मिलकर, तो वो काफ़ी अच्छे बात है दोस्तों कि हमारे ओपनर्स दोनों अभी काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं हम अगर हम बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान के, तो आप देख सकते हैं किस तरह दोस्तों विकेट लिया था दोस्तों अगला मैच में बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक बॉलर है बांग्लादेश की ओर से। ठीक है, और हमारे इंडिया में भी बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक बॉलर है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों कुछ, चलिए मैं बताता हूँ पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ अनोखा बात। ठीक है, तो बस वीडियो पर जुड़े रहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश के ओपनर्स के बारे में, तो वो काफ़ी कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी जो काफ़ी खतरे की घंटी हो सकते हैं बांग्लादेश की ओर से। ठीक है, अगर हम पिछले मैच के बारे में बात करेंगे दोनों ओपनर्स बांग्लादेश के, तो जो कि बहुत ही ख़राब फॉर्म में आए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मुशफ़िकुर रहमान, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि अगले मैच में हाफ मतलब सेंचुरी नहीं मार सके। ठीक है, एक रन कम हो गया यानी कि आउट हो गए हैं। ठीक है, 99 रन पर, तो वो काफ़ी अच्छे बात है कि वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं बांग्लादेश की खिलाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों वो भी दोनों का टक्कर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, और पाकिस्तान अगर होता बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश नहीं होता पाकिस्तान अगर होता, तो और भी रोमांचक मैच होता। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है दोस्तों कि बांग्लादेश, देखते हैं कि कौन ये सीरीज का जो है ट्रॉफी लेकर जाता है। ठीक है, तो देख ये तो बाद में देखने का है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के प्लेइंग 11 का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इंडिया वर्सेस मतलब इंडिया का प्लेइंग 11। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया का प्लेइंग 11 दोस्तों बहुत ही मजबूत है। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके सभी खिलाड़ियों का नाम। सबसे फर्स्ट है हमारे ओपनर्स है रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के मतलब कप्तान है। ठीक है, और दूसरा जो है वो शिखर धवन हो सकते हैं, और तीसरा जो है अंबाकी रायडू हो सकते हैं, चौथा जो है वो केदार यादव हो सकते हैं, और पांचवा जो है वो हो सकते हैं दिनेश कार्तिक, और छठा नंबर पर आएंगे MS धोनी। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में अभी चल रहे हैं, और छठा नंबर पर आएंगे जो दोस्तों वो है रविंद्र जडेजा, और सातवां मतलब हो गया सातवां पर आएगा रविंद्र जडेजा, और आठवां पर जो आएगा वो है कुलदीप यादव, और आठ मतलब नौवां पर आएगा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, और दसवां पर आएगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह, और ग्यारहवां नंबर पर आएगा चहल, जो कि बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा से आता नहीं, पर बॉलर एक नंबर है। बांग्लादेश का प्लेइंग 11 यह है। एक नंबर लिटिन दास, दो नंबर सौम्या सरकार, जो तीसरा नंबर पर है वो है मोमिनल हक, चौथा नंबर पर है वो मिस्टर फजूर रहीम, जो पांचवा नंबर पर है वो है मोहम्मद मिथुन, और छठवां नंबर पर है वो है दोस्तों इमराउल की, और सातवां नंबर है दोस्तों मोहम्मद दुला, आठवें नंबर पर है मुस्तफे मुर्तजा, और नौवां नंबर पर है मेहंदी हुसैन, और दसवां नंबर पर है दोस्तों रुबेल हुसैन, और ग्यारहवां नंबर पर है मिस्टर फजूर रहमान। ठीक है, ये है दोस्तों कुछ पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के जो है वो प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 तो बहुत ही मजबूत है बांग्लादेश का भी। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया का भी बहुत ही मजबूत है, तो दोनों का टक्कर बहुत ही भयानक होने वाला है, जो कि 28 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला, जो कि जो ही जीतेगा वो एशिया कप का हकदार होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहता है। ठीक है, और वीडियो मुझे पता होगा कि आपको आप अभी तक लाइक कर दिए हैं। ठीक है, और अगर नहीं किए तो कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि